कि आज इस पुण्य अवसर पर आप सभी लोग इस विद्यालय प्रांगण में पधारे हैं। मुझे बहुत ही मान और अभिमान के साथ इस झंडे की शान के लिए मैं काफी गौरवान्वित हो रहा हूं कि भारतवर्ष कितने कठिन मेहनत और बलिदान के फलस्वरूप यह शुभ अवसर पाए हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में इस देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए। हमारे जो भी वीर और वीरांगना जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें नमन करता हूं। तत्पश्चात हम सभी नागरिक उन्हीं के परिणाम के वजह से आज स्वतंत्र रूप में अपना संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान लागू हुआ और भारत पूर्ण रूप से भारत स्वतंत्र कहलाया, जिसका अपना संविधान कायम हुआ। यह संविधान में देश के विभिन्न उपबंधों को जो लागू किया गया और संविधान में जो उपबंध लाए गए तमाम विश्व के देशों से जो अच्छे अच्छे गुण रचित करते थे वो सारे उपबंधों को लाकर अपने संविधान में पिरो गए। उसी का देन है कि विश्व का इतना बड़ा लोकतंत्र और इतना स्वच्छंद रूप से कानून को पिरोया गया, जिसको आज हम नमन करते हैं। हमें मौलिक अधिकार दिया गया तो कर्तव्य भी दिया गया। जहां पर अधिकार होता है नागरिकों को अपना कर्तव्य भी साथ साथ समझना पड़ता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उसके पहले अपना कर्तव्य पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि बिना कर्तव्य का अधिकार आपके लिए सुशोभित नहीं होता है। हमारा संविधान इतना लचीला है कि आप जनसाधारण को कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो मौलिक अधिकार को भी बर्खास्त किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही माना जाता है। और हम अपने समाज को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो यहां पर कह दिया कि इस संविधान में राष्ट्रपति को इतना अधिक पावर दे दिया गया है कि कभी भी वह निरंकुश हो सकता था, इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति को थोड़ा छेद दिया जाना चाहिए। और इन्होंने तर्क सम्मत उन्होंने धारा 352 और 357 के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें राष्ट्रपति को असीमित पावर हो जाता है और इसलिए हम सभी को उस परिधि के अंदर रहना है। उन्होंने ऐसा कर्तव्य समझा था कि मैं राष्ट्रपति जरूर हूं, मुझे पावर इतना दिया गया,
इसी तरह से हम सभी को भी अपना अधिकार स्वतंत्रता से बढ़कर समझना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस अवसर पर हम लोग एक दूसरे को समझना जरूरी है कि अगर मैं शिक्षक हूं तो मुझे शिक्षकत्व का गुण अपनाना चाहिए, अगर मैं विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का गुण आपके अंदर होना चाहिए। आपको पढ़ने का दायित्व तो दिया गया है, आपका कर्तव्य है कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें। हम शिक्षकगण हैं तो हमें यह कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हम विद्यार्थियों की प्रत्येक समस्या को दूर करें, हम पढ़ाएं। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर करें। हम अपने सभी अभिभावकगण से हमेशा सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे कि जहां हमें विद्यालय प्रशासन में कोई कमी अगर दिखती है तो उनसे समय समय पर मैं मदद मांगू। इसलिए हम सभी को यह ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कानून की परिधि में तो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा गया है हमारे संविधान को। इसलिए हम ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। सारे विद्यार्थी को मैं एक लाइन से जरूर संबोधित करना चाहूंगा और वह लाइन को कहते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। इसलिए आप लोग बोध करें अपने आप को और वह ध्यान दें। हम होंगे काम की ओर से हम अपने जय हिंद। अब हमारे सूरत से रहे जो इस विद्यालय के संगीत शिक्षक हैं।